देवास से एक बड़ी खबर है। महिला ने अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। मृत बच्चे को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब अगर बच्चा शौचालय में जन्म लेगा तो लापरवाही तो साफ साफ दिख ही रही है। मोनीश वर्मा, ये क्या जिला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है? और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर्स ने क्या अभी इस पूरे मामले में कुछ कहा? देखिए, ये जो घटनाक्रम रात को आया है ये बड़ा दिल दहलाने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि ये जो महिला है ये इसे पहले तो एक माह बाद आने का बोला गया, इसके परिजनों ने काफी परेशानी का सामना किया, फिर बच्चे की धड़कन बंद होने का बोलकर उपचार के लिए रोका गया। उसके बाद जब ये प्रसूता इसी अवस्था में थी तो वो जब शौचालय गई तो वहीं पे बच्चे ने जन्म ले लिया, और स्थिति ये है कि वो मृत बच्चा जो है उसको लेकर के जब वो प्रसूता या वहां पे जो भी संभालने वाला था जब वो जिम्मेदारों तक पहुंचे तो उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि उनको समझाइश दे या उनको समझाए या किसी प्रकार से उनका इलाज किया जाए। उसी बीच में जब परिजनों ने यहाँ पर हंगामा किया तब जाकर के कोई डॉक्टर्स या कुछ लोग आए, जब वहां पर उनसे पूछा गया क्या स्थिति तो कैमरे से बचते नजर आए। ऐसे में कोई जिम्मेदार कोई अधिकृत रूप से अभी किसी ने कुछ बात नहीं रखी है। ऐसे में आप देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस घटनाक्रम पर क्या संज्ञान में लेते हैं और क्या कुछ इन जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई करते हैं। और ये किस हॉस्पिटल का मामला है? ये जिला अस्पताल का मामला है, जिला शासकीय अस्पताल की ये स्थिति जो है ये पहले भी देखी गई है कई बार। यहाँ से एक बच्चा भी पहले चोरी हुआ है और उस पर भी अभी तक कोई आज तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हो सकी है। लगातार लापरवाहियों का जो ये जिला अस्पताल एक पुलिंदा बन चुका है, इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर के कोई उचित कार्रवाई या कोई जांच कमेटी बनाना चाहिए। देखिए, तनख्वाह तो ये मोटी मोटी लेंगे, मोटी रकम लेंगे, काम करने की बारी आई तो काम करेंगे नहीं, अगर कुछ सवाल पूछ लिया गया तो एकजुट हो जाएंगे, सारे डॉक्टर एकजुट हो जाएंगे, यानी इनसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। अब आप लोग बताइए, जितने भी लोग मध्य प्रदेश के हैं, देवास के हैं, भोपाल के हैं, इंदौर के हैं, अगर जिला अस्पताल, चूंकि सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल होती है जिले की, वहां पर शौचालय में बच्चा जन्म ले रहा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि ये क्राइम में आता है, अपराध में आता है, लेकिन उनके खिलाफ बोलेंगे तो एकजुट हो जाएंगे, हड़ताल कर देंगे।